हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज मॉमी जे एंड आई वेलकम यू टू मॉमी जेस वर्ल्ड अगेन। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी श्रावण टू ऑल। सो इट्स गोइंग टू बी अ फेस्टिव फीस्ट गाइस, सो वी नीड सम डेजर्ट्स व्हिच आर गोइंग विद आवर इंडियन कुजींस। सो आई गेट सम वेरी ऑथेंटिक डेजर्ट्स बट विद माय ट्विस्ट, ओके, व्हिच विल टेक द डेजर्ट्स, द इंडियन डेजर्ट्स टू द नेक्स्ट लेवल। So let's get started. So आज हम बनाने वाले हैं guys vanilla flavored rice खीर, और you can call it vanilla flavored rice pudding. Trust me guys, very minimal ingredients and you're gonna rock. Okay, it's the खीर of next level. So just give it a try with my tips and tricks I'll give you. But उसके लिए आपको पूरा video देखना पड़ेगा मेरे tricks और tips के लिए। So let's get started with the ingredients. तो हमें बहुत कम ingredients चाहिए, बस थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। हमें जो है rice चाहिए होगा। राइस हम कैसा यूज करेंगे, स्टार्ची वाला, जो न्यू राइस होता है जिससे राइस स्टिकी बनता है। तो ये आधे घंटे हमें जस्ट पानी में वॉश करके जो है पानी में भिगो के रखना है। ओके, कोई भी राइस ले लीजिए बट स्टार्ची वाला अगर होगा तो बेटर है, नहीं है यूज द राइस विच यू हैव एट होम फॉर मेकिंग योर राइस। ये शुगर है, शुगर ली है हमने, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजिए। हम रोज नहीं खाते हमारे डेजर्ट, सो जब बनाते हो दिल खोल के बनाओ और खाओ। So just work out a little bit more and you're good to cook. You can have your sugar, guys. So it's sugar, white sugar I'm using here. If you have brown sugar, go ahead and use it. Here I'm using full fat milk है, okay? जो भैंस का दूध होता है that it is. तो अगर नहीं है milk normal गाय का दूध use कर लीजिए। But usually अगर आप खीर बनाने के लिए जो है full fat milk use करते हो तो results और अच्छे आते हैं। घी है, ये मेरा घर का बना हुआ घी है। इलायची ली है, powder करके use करेंगे हम। Use इलायची powder. ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने मिक्स, गो इजी विद द ड्राई फ्रूट्स जो है आपके पास डालिए। मैंने काजू लिए है, चिरौंजी ली है, बादाम लिए है और किशमिश ली है, रेजन्स। ओके, रेजन्स आई डोंट लाइक बट माय सन लाइक्स, तो मैं बहुत सारे डालना पड़ता है। तो ड्राई जो खारिक होते हैं, इवन यू कैन एड दैट, दैट ऑल्सो एनहांसेस द फ्लेवर। ओके, आई एम यूजिंग वेनिला एसेंस यूज कर रही हूँ मैं। ओके, पानी चाहिए होगा हमें, अगेन ऑप्शनल, आप पूरा दूध यूज करना चाहते हो तो करिए। और हाँ, ये मिल्क जो है गाइस, ये बॉइल्ड मिल्क है, मैंने ऑलरेडी गर्म करके लिया हुआ है, फुल फैट मिल्क जो है ये बॉइल्ड है। ओके, तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारी खीर बनाने के लिए। पानी भी ऑप्शनल है, मैंने जैसे आपको बताया आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ पानी को इसमें। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी घी जो है इसमें आप देख रहे हो एड कर लिया है, तो ये मैंने जो है राइस ऐड कर दिया है, आप देख रहे हो। तो अब मैं इसे जो है फ्लेम पे थोड़ा सा गाइस घी में भून लूंगी राइस को। ओके, कि हम इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे अभी भून लेंगे। आप गाइस कोई मोटा बर्तन ही यूज करना, खीर प्लीज स्टील के बर्तन में मत बनाना, तो दूध है तो लगने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज कोई भी अगर आप बर्तन यूज करो तो थोड़ा हैवी बेस वाला यूज करिए। आप जब राइस को भूनोगे तो आप देखोगे वो और थोड़ा व्हाइट व्हाइट ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसे हो गया है। तो हमें बस थोड़ा इसे भूनना है, एक 3 से 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप इसे भून लीजिए अच्छे से। तो अब मैंने इसे भून लिया है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी इसी स्टेज पर ऐड करके इसमें भून सकते हो। ओके गाइस, तो मैंने राइस जो है भून चुका है, देखिए आप इसका कलर चेंज हो गया, आपको दिख रहा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा। ओके, तो ये रोस्ट हो गया अच्छे से। अब मैंने इसमें जो है जो बड़े वाले ड्राई फ्रूट थे काजू और बादाम, उन्हें थोड़ा सा क्रश करके मैंने उसको जो है इसमें डाल दिया है। अब मैं जो है चिरौंजी और जो मैंने रीजन्स लिए हैं मैंने वो भी ऐड कर दिए। मतलब जरा इसे भूनने दीजिए, फ्लेम मेरा लो है गाइस। ओके, मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और अब जो है हम इसमें 1 मिनट बाद दूध ऐड करेंगे। गाइस अब मैं इसमें, 1 मिनट हो गया है, मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बताया मैंने फुल फैट मिल्क यूज किया है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ देखिए हाफ मिल्क ऐड किया है। अब मैं इसमें एक ग्लास जो है के करीब हाफ मिल्क हाफ वाटर कर दूं। ओके, ये मैंने क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। हम पहले मिक्स कर लेते हैं, अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया है। अब हम जो है राइस को इस हाफ मिल्क हाफ वाटर में जो है गाइस कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे हम चावल पकाते हैं। ओके, तो अब जब हमारा राइस अच्छे से पक जाएगा, अभी आपको दिखेगा ये दूध और पानी जो है रिड्यूस हो जाएगा। ओके, जब ये कुक होंगे तो उसके बाद जो है हम हाफ मिल्क ऐड करेंगे, उससे वो खीर जो है हमारी क्रीमी रहेगी, उसका टेक्सचर जो है वो मिल्की बनेगा। अगर आप पूरा दूध यूज करना चाहते हो तो इट्स ओके, यू कैन गो अहेड एंड यूज द मिल्क। ओके, कम्प्लीटली। तो मैंने दूध और पानी दोनों मिक्स कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखूंगी और इसे थोड़ी बीच में चला चला कर जो है गाइस
कुक कर लूंगी, ओके, ताकि हमारा दूध नीचे लगे ना। मैंने बर्तन अच्छा लिया है तो मेरा तो नहीं चिपकेगा, बट आप मेक श्योर करना कि जब आप कर रहे हो तो आपका दूध जो है या राइस नीचे लगे ना, बीच बीच में चलाइए, साइड में जो क्रीम जैसे मलाई जमा होती है उसे भी स्क्रेप करते करते चलाइए, तो आपकी खीर और एनहांस होगी, उसका फ्लेवर और क्रीमी होती जाएगा। अब जो है इसमें जब उबाल आ जाएगा, थोड़ी सी उबलने स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसमें जो है शुगर ऐड करेंगे। शुगर भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना स्वीट पसंद है गाइस, गो अहेड एंड ऐड द शुगर। हम इसमें जो है शुगर ऐड कर देंगे, ओके। नाउ आई लीव दिस अप टू यू कि आप कितनी शुगर ऐड करते हो। सो हम शुगर इस स्टेज पे जब ऐड करते हैं तो होता क्या है, अब जब शुगर कुक होगी वो कंटिन्यूस कुक होगी जब तक हमारा राइस कुक होगा, तो शुगर जो है कैरमलाइज होगी और अपना कलर छोड़ेगी, उसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। सो यू डोंट हैव टू ऐड केसर। अब लेट इट कुक ऑन मीडियम फ्लेम, ओके गाइस। सो एज यू कैन सी हमारी खीर जो है उबल रही है, अब हम इसे उबलने देंगे और रिड्यूस होने देंगे, ओके। जब अब ये रिड्यूस हो जाएगी तब हम जो है इसमें गाइस जो दूध है हाफ वाला वो हम इसमें तब ऐड करेंगे जब ये कुक हो जाएगी अच्छी तरह से। अब मैं जो है गाइस इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर अभी ऐड करूंगी और थोड़ी एंड में, ओके। सो ये मैंने इलायची और शुगर को जो है पाउडर कर लिया था मिक्सी में, ये वो है, ओके गाइस। तो आप देख रहे हो ये रिड्यूस हो रही है, ये कुक हो रही है, हम इसे और कुक होने देंगे, ओके। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ऐसे पाव भाजी स्मैशर जो होता है वो भी रन कर सकते हो, ताकि जो है राइस के दाने थोड़े से टूट जाए, ओके। अब स्मैश करिए अच्छे से इसको। तो गाइस एज यू कैन सी, ओके, हमारा दूध जो है रिड्यूस हो गया है, आप देख रहे हो राइस भी ऑलमोस्ट कुक है। और टिप देना चाहूंगी, अगर आपका राइस जो है बड़े ग्रेन का है तो या तो आप स्मैशर यूज कर लीजिए, पाव भाजी स्मैशर। गाइस देखिए हमारी खीर जो है कुक हो रही है, ओके। मैंने इसे बीच में ओपन करके फिर से चला लिया है, ओके। अब हम इसे और कुक होने देंगे और जब ये रिड्यूस हो जाएगी, आप इसमें चाहिए तो मिल्क की क्वांटिटी बाद में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये रिड्यूस होती रहेगी, ये गाढ़ी होती रहेगी। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब देखिए मैं पाव भाजी स्मैशर जो है इसमें ऐसे चला रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो राइस के अक्खे अक्खे जो गोल अक्खे दाने हैं वो थोड़े से टूट जाएंगे, ओके। मैं कभी मिक्सी में नहीं करती, आप ऐसे अगर करते हो तो भी ये काफी है इस स्टेज पे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस जो है गाइस ऐड कर दिया। गाइस वेनिला एसेंस एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओके, तो उससे भी आपकी खीर का जो है टेस्ट खराब हो जाएगा। आप 1 teaspoon के अराउंड वेनिला एसेंस यूज कर सकते हो, 1 to 2 teaspoon, आपकी खीर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो गाइस एज यू कैन सी मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ, मैंने अभी लिड खोल दिया है, 5-7 मिनट बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप प्लीज इसे चला चला के करिए, आई एम यूजिंग अ गुड कुकवेयर तो इसके लिए मेरे को टेंशन नहीं कि वो जल जाएगा, बट आप प्लीज इसे छोड़ के कहीं मत जाइए, आप ध्यान से इसे जो है चला चला कर कुक करते रहिए, ओके। तो आप देखिए दूध फिर से रिड्यूस हो गया है, मैंने आपको कहा था कि आप 1.5 लीटर दूध का अंदाज लेके चलिए, 1 लीटर तो नॉर्मली कुक करने में जाता है। तो आप सोचिए अगर मैं पहले वाटर ऐड नहीं करती तो शायद आपको 2 लीटर 2.5 लीटर दूध लग जाता, सो दैट्स द ट्रिक अगेन, ओके। सो सी हाउ क्रीमी इट हैज टर्न्ड आउट, ओके। बट मैं प्रिफर करती हूँ इसे और क्रीमी बनाना, इसीलिए मैं इसे और 5-7 मिनट जो है कुक करती हूँ। गाइस ये खीर थोड़ा टाइम लेगी, बट ये ट्रस्ट मी द रिजल्ट वुड बी वर्थ, ओके। आप एक 35-40 मिनट्स लेके चलिए, हाफ एन आवर लेके चलिए, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपके। मैं ज्यादा क्वांटिटी पे बनाती हूँ बिकॉज आई लव दिस खीर, ओके, वी लव स्वीट, तो इसीलिए मैं इसे ज्यादा बनाती हूँ, तो आपकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूंगी, तो ये मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ इसमें, आप देख रहे हो, ओके। और मैं जो है इसे मिक्स कर दूंगी। सो गाइस एज यू कैन सी देखिए इसमें उबाल आ रहा है, ये मैंने एकदम लो फ्लेम पे रखा, देखिए कितनी क्रीमी हो गई है, आपको देख रहे हो, सी लुक एट द टेक्सचर। हमें जो है इसे ऐसे इतना अच्छा कुक करना है, ओके। और बाद में जैसे जैसे ये ठंडी होगी गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी जो है और गाढ़ी होती जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग दूध ऐड कर लीजिए और शुगर भी आप देख लीजिए। तो ये ऑलमोस्ट डन है अभी, अब मैं फ्लेम ऑफ करने वाली हूँ, ओके, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, इसे पहले नहीं करना। I'm just adding pinch of salt, okay, to this खीर। एंड पे करना है, अगर पहले डालोगे दूध में नमक तो शायद दूध फट जाएगा, ओके,
और अब मैं जो है इसे मिक्स कर दूंगी एंड हमारी खीर जो है राइस डन है। ट्रस्ट मी ट्राई दिस। इसी खीर का मेरे पास एक और वर्जन है, इसमें मैं एक और फ्लेवर ऐड करती हूँ, वो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियोस मेरे आएंगे मैं उसमें बताऊंगी। ओके, क्योंकि मैं एक और खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो उसमें मैं वो फ्लेवर आपको बताऊंगी, तो आप मुझे फिर बताना आपको कौन सी वाली बेटर लगी। दोनों ही बेस्ट होते हैं। ओके, ये फ्लेवर तो रहेगा ही इंटैक्ट, इसके अलावा मैं एक एडिशनल इसमें चीज ऐड करती हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट खीर की जो रेसिपी होगी मेरी उसमें बताऊंगी, नेक्स्ट वीक शायद वो आएगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू गाइस। ओके गाइस, तो ये हमारी श्रावण स्पेशल राइस पुडिंग और राइस खीर जो है वनीला फ्लेवर रेडी टू सर्व है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिए। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपने फीडबैक प्लीज मुझे जो है मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दीजिए, दैट विल रियली हेल्प मी ग्रो। ओके, आप जब भी रेसिपी ट्राई करो, कोई जरूरी नहीं कि आज ही करो, और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं जल्दी वापस आऊंगी ऐसी ही स्वीट स्वीट रेसिपीज के साथ। अंटिल देन, मॉमी जे साइनिंग ऑफ।